यूनिट 4 का टॉपिक है ये, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक है एडवर्टाइजिंग कॉपी। ठीक, देखते हैं अब एडवर्टाइजिंग कॉपी क्या होता है इसमें। देखो एक स्टेटमेंट दिया है ना, ये देखो। अब ना बात देखो, टैगलाइन से समझो, ये किसकी एड है, ये देखो रिलायंस की एड है ये, ठीक है। अब ना बातें खत्म होंगी ना टॉक टाइम। तो देखो ये एडवर्टाइजमेंट है ना, फ्री टॉक टाइम ऑफ 2000 मिनट्स विथ न्यू रिलायंस मोबाइल। ये देखो कॉलम्स बनेगी। तो ये जो भी मैटर है, इस मैटर को बनाना किसके लिए, फॉर द एडवर्टाइजमेंट, ये कहलाती है एडवर्टाइजमेंट कॉपी। ठीक, हम एडवर्टाइज तो कर रहे हैं टीवी में, लेकिन हम उसको कैसे कर रहे हैं, उसका कंटेंट क्या है, हम वहां पर क्या बताने वाले हैं उस एडवर्टाइजमेंट में। तो उस चीज का जो रिटर्न या स्क्रिप्ट रेडी होती है उसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट कॉपी। जैसे ये लाइन है, हेडलाइन क्या है, अब ना बातें खत्म होंगी ना टॉक टाइम। तो ये क्या है अपना, फिर ये जो भी लिखा है फ्री टॉक टाइम ऑफ 2000 मिनट्स विथ न्यू रिलायंस मोबाइल, है ना। तो ये किसकी एड है, रिलायंस की। लेकिन क्या क्या फीचर्स हैं, वो एड जो की हुई है उस एड का जो रिटर्न फॉर्म है वो कहलाता है एडवर्टाइजमेंट कॉपी। नेक्स्ट देख रहे हैं इसमें अपन। ये देखो, इट इंक्लूड्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैसेज। ठीक, इसमें सारे एलिमेंट्स है मैसेज के, चाहे वो प्रिंटेड हो या फिर ब्रॉडकास्ट हो। प्रिंटेड अगर अपन न्यूज़पेपर में दे रहे हैं तो क्या मैटर हम देना चाहते हैं, ब्रॉडकास्ट मीन्स टीवी पे जब आता है या फिर जब वो ऑनलाइन आता है, जब पब्लिक उसको सुनती है या ऑडियो विजुअल वे में देख के सुनती है, तो उसको बोलते हैं अपन ब्रॉडकास्ट। ठीक है, तो इसमें प्रिंट मीडिया में क्या क्या आ जाएगा, प्रिंट मीडिया मीन्स न्यूज़पेपर्स वगैरह। जब अपन न्यूज़पेपर्स वगैरह में एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो उसमें कैसे होती है, इट इंक्लूड्स द हेडिंग, जैसे अभी मैंने हेडिंग दिखाई दी है, फिर उसमें क्या होती है उसकी सब हेडिंग, फिर पिक्चर्स, कैप्शंस, स्लोगन्स, बॉडी कॉपी, कंपनी लोगो, मैस्कॉट, बॉर्डर्स एंड अदर इलस्ट्रेशन एंड विजुअल सिंबल्स। तो ये सब कुछ जो उस एडवर्टाइजमेंट में लिखा होता है। तो देखो ये वो एडवर्टाइजमेंट, इसमें देखो हेडिंग, ये देखो फिर सब हेडिंग, ये कंपनी का नाम रिलायंस मोबाइल, देखो ठीक है, उसके फीचर्स, उसके मार्जिन्स, उसका लोगो, ये है ना उसका लोगो, देखो ये वाला, ये रिलायंस मोबाइल का। तो ये सब किस में आता है, ये एडवर्टाइजमेंट कॉपी में आता है। अब नेक्स्ट में अपन देख रहे हैं इसमें, और अगर हम इसको देखें इन टीवी, तो इन टीवी में किसके थ्रू आ रहा है, मोशंस, साइट, साउंड, तो बैकग्राउंड में जो वॉइस आ रहा है उसका, वर्ड्स स्पोकन बाय द कैरेक्टर्स इन द स्क्रिप्ट, वर्ड्स स्पोकन बाय द कैरेक्टर्स इन द स्क्रिप्ट, मतलब जो हमारे सेलेब्स बन रहे हैं, है ना। तो जो सेलेब्स हैं जो एडवर्टाइजमेंट में आते हैं, तो उनको एक स्पीच तैयार करके दी जाती है, तो जिसको बोलते हैं अपन, तो प्लस उसमें जो म्यूजिक चलता रहता है, फिर उसमें जो साउंड चलता है, उसके जो इफेक्ट्स आते हैं बैकग्राउंड में, इवन कैमरा क्यूज, तो ये सब होता है कॉपी, एडवर्टाइजमेंट कॉपी में। कॉपी रिफर्स टू रिटन मटेरियल विच इज टू बी इन टाइप फॉर प्रिंट मीडिया और स्पोकन बाय अनाउंसर्स फॉर ब्रॉडकास्ट कमर्शियल्स। इसमें देखो कॉपी क्या होता है, रिटन मटेरियल हम रेडी करते हैं, जो वही बोला जाता है किसमें, प्रिंट मीडिया में, तो वही छाप दिया जाता है, और स्पोकन बाय अनाउंसर्स फॉर ब्रॉडकास्ट कमर्शियल्स। अब नेक्स्ट स्लाइड देखो इसमें, कॉपी राइटिंग फॉर प्रिंट मीडिया। तो देखो उसमें हेडलाइन रहता है, सब हेड और बॉडी। तो हमको एग्जाम में इन तीनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हुए चलना है। देखो हेडलाइन क्या होता है, टॉप और
बॉटम ऑफ द एड, जैसे अभी मैंने आपको एक एड दिखाई थी रिलायंस वाली, तो उसमें एक टॉप में हेडिंग दी थी और एक बॉटम में. तो टॉप में क्या दिया था उन्होंने, एक टैगलाइन दे दी थी रिलायंस की कि अब न बातें खत्म होगी ना, और नीचे क्या दिया था उसका, प्राइसेस वगैरह दे दिया था, है ना. तो यूजुअली एट द टॉप और बॉटम दैट अट्रैक्ट्स अटेंशन या फिर कम्युनिकेट्स अ की सेलिंग पॉइंट और अचीव्स ब्रांड आइडेंटिफिकेशन. तो जो अचीव करें या फिर हम आइडेंटिफाई कर सकें, ब्रांड आइडेंटिफिकेशन जो हम ये अचीव कर सकें इसमें, तो यूजुअली ये कहाँ पे रहता है, या तो टॉप में रहेगा या फिर बॉटम में रहेगा, जहाँ पे कंपनी का क्या जाए, अटेंशन जाए. तो अभी एक टैगलाइन देखी थी ना, अब ना बातें खत्म होंगी वाला, तो वो था उसका टैगलाइन, हेडलाइंस, है ना. देखो पर्पस क्या होता है, हेडलाइन का पर्पस क्या होगा, गिव न्यूज अबाउट द ब्रांड, फिर एम्फेसाइज अ ब्रांड क्लेम, गिव एडवाइस टू द रीडर और सिलेक्ट प्रोस्पेक्ट्स. तो ये सारे उसमें फीचर्स होते हैं. नेक्स्ट देखो, अब इसमें द रीडर्स क्यूरियोसिटीज स्टिमुलेट, मतलब क्रिएट करना ना, रीडर के माइंड में क्रिएट करना, जब हम वो एड देख रहा है तो रीडर के माइंड में क्रिएट करना उसको, स्टिमुलेट द रीडर्स क्यूरियोसिटी और फिर आइडेंटिफाई द ब्रांड. तो ये था पर्पस किसका, मैंने बताया इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है. देखो कॉपी राइटिंग को, हेडलाइन, फिर सब हेड और बॉडी. तो हेडलाइन में ऊपर या नीचे जो रहता है उसका मेन पोर्शन, फिर उसका पर्पस. अब देखो उसके फंक्शंस क्या काम करता है हेडलाइन का, देखो अब, इट एस्टैब्लिश अ लिंक विथ द टारगेट ऑडियंस. ऑब्वियस है हेडलाइन है, वो टारगेट ऑडियंस के साथ क्या करेगा, लिंक करेगा. नेक्स्ट, इट इज एन अटेंशन गेटिंग डिवाइस. ऑब्वियस है वही टैगलाइन या जो हेडलाइन होती है वो अटेंशन क्रिएट करती है. अगर वो अट्रैक्टिव नहीं होती है तो अपना ध्यान भी नहीं जाता. इट शुड मूव अस, प्रोपेल अस टू रीड द फर्दर कॉपी. वो हमको, अगर हमको वो इंटरेस्टिंग लगेगा तो हम क्या करते हैं, वहां पे रुकते हैं और उसको देखते हैं कि उसमें क्या हो रहा है करके, ठीक है. तो इट शुड मूव अस, प्रोपेल अस टू रीड द फर्दर कॉपी. इट इज द एसेंस ऑफ द होल एड, ठीक है. तो ये क्या है, एसेंस है पूरे एड का. इट इज द एसेंस ऑफ द होल एड. नेक्स्ट देखो इसमें, गाइडलाइंस क्या होंगी, अगर हमको हेडलाइंस बनानी है तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस होगी. लिमिट हेडलाइन टू अबाउट 6 to 8 words, 6 to 8 शब्द से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. फिर ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उस 8 words में. फिर उसमें इंक्लूड द ब्रांड नेम इन द हेडलाइन इफ पॉसिबल होता है. देखो अगर पॉसिबल है तो ब्रांड का जो नेम है ना वो भी हेडलाइन में हम डाल सकते हैं. कॉमन सिंपल और फैमिलियर वर्ड्स यूज करना है. देखो प्लस इसमें क्या होता है, इसमें एक पॉइंट अट्रैक्टिव होना चाहिए. अभी उस एड के हेडलाइन को देखो, अगर अपन देखें तो देखो क्या लिखा है, अपने बातें खत्म होंगी ना टॉक टाइम. तो देखो अगर मैं इसको यहाँ से कोरिलेट करूं, यहाँ पे देखो ये देखो, अब न बातें खत्म होंगी न टॉक टाइम. देखो सिंपल कितने लाइन में, देखो 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 words में कंप्लीट हो गई पूरी एड. समझ में आ रहा है ना कि बातें खत्म होंगी न टॉक टाइम, तो किसकी बात हो रही थी, फ्री टॉक टाइम की बात हो रही थी, है ना. किसकी बात हो रही थी, किसी डेटा पैक की बात हो रही थी, है ना, या कोई वाउचर रिचार्ज की बात हो रही थी. फिर और टेलीकॉम सेक्टर से रिगार्डिंग है, ठीक है. कौन सी कंपनी है उसमें उसका नाम भी नीचे आ जाता है, रिलायंस का अगर ऐसे लोगो बना होगा तो. देखो 8 lines में सब कुछ बता दिया, तो लोग ऑब्वियस है ना उस एड को देखेंगे कि कितना टॉक टाइम मिल रहा है, कितने में मिल रहा है, तो वो हमको स्टिमुलेट करता है कि हम उसको आगे और देखें और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लें अपन. नेक्स्ट देखो, अब होता है सेकंड सब हेड. पहले क्या था, हेडिंग, फर्स्ट
फर्स्ट था हेड, सेकेंड है अपना द सब हेड. अब देखो सब हेडिंग में क्या बता रहा है अपने को, इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू वर्ड एज अ शॉर्ट सेंटेंस एंड यूजुअली अपर्स अबव और बिलो द हेडलाइन. कुछ वर्ड्स में लिखा रहता है सब कुछ वगैरह जो बताना चाहता है. देखो मोर कंप्लीट रीडिंग ऑफ द हेडलाइन. अब इससे क्या होता है, मोर कंप्लीट रीडिंग होती है मतलब एंटायर हेड. अब वो देखो मैंने अब बताया था अब ना बातें खत्म होंगी ना टॉक टाइम, अब उसको कैसे करेगा सब हेडिंग. तो अब सब हेडिंग के लिए देखो यहाँ पे फिर से उसी पे ये देखो, ये जो पैक्स बता रहा है इसमें देखो रेड स्पॉट फॉलो करो आप लोग. ये देखो ये देखो ये फ्री टॉक, ये तो एक्स्ट्रा फीचर्स हो गया, फ्री टॉक टाइम ऑफ 2000 मिनट्स विद न्यू रिलायंस मोबाइल. ये देखो ये सब हेडिंग्स है. ये कितने का जो पैक डलेगा ना, ये देखो ब्लर है ये अभी शो नहीं कर सकते. तो इन सब में 2000 मिनट्स का, ठीक है. तो ये हो गया अपना सब हेड जो इस एड को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, ठीक है. तो सब हेडिंग क्या करती है, एड को कंप्लीट करती है. हेडलाइन क्या करती है, हमको एड को पूरा पढ़ने के लिए मजबूर करती है. और सब हेड से हमको उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है. अब नेक्स्ट देखेंगे अपन इसमें, ये देखो कंसिस्ट फ्यू वर्ड्स के लिए एज शॉर्ट सेंटेंस यूजुअली अपेयर अबव और बिलो द हेडलाइन. तो अभी वाली हेड में बिलो द हेडलाइन थी. नेक्स्ट क्या था, स्टिमुलेट अ मोर कंप्लीट रीडिंग ऑफ द एंटायर एड. तो उससे कंप्लीट एड हमको पता चल गई कि क्या फीचर्स हैं क्या क्या हैं. इन मैनी केसेस, बहुत सारे केसेस में सब हेडिंग बहुत लेंदी होती है एंड कैन बी यूज टू कम्युनिकेट मोर कॉम्प्लेक्स सेलिंग पॉइंट्स. ऑब्वियस है, जरूरी नहीं है कि जितनी हेडलाइन है उतनी ही सब हेडलाइन हो, बिल्कुल नहीं. कभी कभी कंपनी का काम नहीं हो रहा है भाई, वो पूरा डिटेल में देगी आपको, ठीक. तो ये हो गया. नेक्स्ट देखो इसमें द बॉडी कॉपी, इट इज द टेक्सचुअल कंपोनेंट ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट. इट टेल्स अ मोर कंप्लीट स्टोरी ऑफ अ ब्रांड. अब देखो ये टेक्स्टुअल कंपोनेंट होता है, टेक्स्ट फॉर्म में रहेगा ये कंपोनेंट, मतलब लिखा हुआ रिटन फॉर्म में होगा. फिर क्या है, देखो टेक्स्टुअल कंपोनेंट है किसका, एडवर्टाइजमेंट का. और सबसे ज्यादा यही बताता है, टेल्स अ मोर कंप्लीट स्टोरी ऑफ अ ब्रांड, ठीक है. नेक्स्ट देखो टेक्निक्स क्या होती है फॉर प्रिपेयरिंग बॉडी कॉपी. स्ट्रेट लाइन कॉपी, देखो स्ट्रेट लाइन में फॉलो करना चाहिए. फिर क्या होना चाहिए, डायलॉग्स वगैरह होने चाहिए, ठीक. टेस्टिमोनियल नरेटिव होता है. टेस्टिमोनियल कौन सी ऐड होती है, टेस्टिमोनियल मीन्स कनेक्ट विथ, है ना, कनेक्ट करना है उसको. टेस्टिमोनियल मीन्स हमको उसके साथ कनेक्ट करना है एड को. नेक्स्ट देखो इसमें नरेटिव होना चाहिए, मतलब नरेट करें. और डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी रहे, डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी. नेक्स्ट देखो इसमें टेस्टिमोनियल क्या होता है, रिकमेंड करना, है ना. तो हमारा जो एडवर्टाइजमेंट का बॉडी कॉपी प्रिपेयर होगा उसमें एक तो स्ट्रेट लाइन कॉपी, डायलॉग्स होनी चाहिए, प्लस रिकमेंड करना चाहिए, है ना. रिकमेंड करना चाहिए, कुछ ना कुछ नरेटिव होना चाहिए, मतलब बताए फॉर्म में. और डायरेक्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए. नेक्स्ट देखो इसमें गाइडलाइंस फॉर राइटिंग बॉडी कॉपी. अब देखो गाइडलाइंस क्या क्या होनी चाहिए इसमें, यूज द प्रेजेंट टेंस वेन एवर पॉसिबल, ठीक. ये देखो ये ग्रामेटिकल चीजें हैं लिखने के लिए, नाउन्स एंड वर्ब्स, एक्टिव वर्ब्स यूज करने चाहिए, फैमिलियर वर्ड्स और फ्रेसेस यूज करने चाहिए,
वेरी करने चाहिए लेंथ ऑफ सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ. पतला ही होना चाहिए कि चार पैराग्राफ लिखने हैं तो घिसे पिटे जैसे एक ही चार चार लाइन के चार चार पैराग्राफ. नहीं, कोई एक लाइन का भी होगा, कोई आधे लाइन का भी चलेगा. प्रोवाइड सपोर्ट फॉर अनबिलीवेबल बिलीवेबल. आप कोई ऐसी चीज बोल रहे हैं जिससे लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, तो आप अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए कोई चीजें वहां पे प्रेजेंट करेंगे. तो ये होता है एडवर्टाइजमेंट कॉपी. अब हम कुछ डेफिनेशन स्टडी करेंगे, डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट कॉपी. अकॉर्डिंग टू OTTA Klapner, ये आप लोग नोट कर सकते हो, है ना. द एडवर्टाइजमेंट कॉपी रिफर्स टू द रीडिंग मैटर दैट फॉर्म द टेक्स्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट. Whether the text consists of only one word or many thousand words. ठीक है, तो आप लोग ये डेफिनेशन नोट कर सकते हो. देखो क्या बोलता है एडवर्टाइजमेंट कॉपी. क्या होता है? रिफर्स टू द रीडिंग मैटर, ठीक है, दैट फॉर्म द टेक्स्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट. हम जो रीड करते हैं एडवर्टाइजमेंट को देख के, जो स्क्रीन पे दिखता है, तो उसको जो प्रिंट वर्जन में वो लोग रेडी करते हैं, ठीक है, जो टेक्स्ट रहता है उसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट कॉपी. तो अब देखो, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे किसी भी एडवर्टाइजमेंट कॉपी के. पहला क्या होता है, रिटन और ऑडियो विजुअल टेक्स्ट. ये मैंने बताया था अभी आपको कि प्रिंट रहेगा या फिर टीवी रहेगा. रिटन और ऑडियो विजुअल टेक्स्ट. तो रिटन मींस क्या होता है, न्यूज़पेपर्स वगैरह में जो ऐड देते हैं, वो जो शो करते हैं, तो अपन उसको जो पढ़ते हैं, वो जो उसमें लिखा रहता है वो होगा रिटन. और ऑडियो विजुअल, ऑडियो मींस अगर हम उसको रेडियो में सुन रहे हैं तो हम सिर्फ सुनेंगे ऑडियो, और विजुअल आ गया तो टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया, वीडियोस वगैरह की एड्स हो गई. तो उसमें वो जो सब्जेक्ट मैटर बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, वो जो टेक्स्ट वो लोगों ने जो एक स्क्रिप्ट रेडी की है, तो हो गई रिटन और ऑडियो विजुअल टेक्स्ट. नेक्स्ट उसमें क्या हो सकता है, इसका फीचर देखो. हाँ, उससे हमको एक मैसेज मिलता है, तो एडवर्टाइजिंग मैसेज मिलता है उससे. नेक्स्ट क्या होता है, उसमें विजुअलाइजेशन होता है. यस, हम उसको देख सकते हैं, विजुअलाइज कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं एक्चुअली हम उससे. नेक्स्ट क्या होता है, वर्ड ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट. ऑब्वियस है ना, वर्ड. जैसे अपन बिग बॉस देखते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, बिग बॉस चाहते हैं कि, तो वो जो वॉइस, वो जो वर्ड, उसमें जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो होते हैं, ठीक है. तो ऐसे वर्ड्स, तो उसमें कॉपीराइटर्स क्या करवा लेते हैं, ऐसी चीजों में कभी कभी कॉपीराइट ले लेते हैं. जैसे कि वो जो बिग बॉस की वॉइस है, वो पता नहीं है ना किसकी वॉइस है, तो और वो कॉपीराइटेड है, उसकी वॉइस को ना कोई और यूज भी नहीं कर सकता है. नेक्स्ट देखो, लेआउट. कैसा लेआउट है, मतलब हम जो एड दिखा रहे हैं वो किस टाइप की एड होगी. बैकग्राउंड हम ब्लैक दिखा रहे हैं, व्हाइट दिखा रहे हैं, या फिर हम उसको इंटरेस्टिंग दिखा रहे हैं, या हम थोड़ी सी क्रिएटिव दिखा रहे हैं, हम सिंपल दिखा रहे हैं, या हम 3D वे में दिखा रहे हैं. तो क्रिएटिव मतलब लेआउट क्या होगा. सिक्स्थ पॉइंट देखो इसका, विजुअल कम्युनिकेशन. दिखा के, जैसे टीवी वगैरह में दिखा के बना के, जैसे MDH वगैरह की एड आती है ना, वो पूरे मसाले से वो पूरी रेसिपी तक बना के दिखा देंगे, या फिर वो लोग कंट्री तक ट्रैवल कर लेंगे अगर दूसरी कोई ट्रैवलिंग की एड होगी. तो बहुत सारी एड्स हैं. अपील है, यस, हमारी इच्छा होती है कि हम उसको देखें. अपील होता है कि क्या होगा, टू बाय, हम उसको परचेज कर लें, है ना. अपील, पोएटिक वर्ड्स होते हैं, या कुछ ऐसी लैंग्वेजेस, या ऐसे इलस्ट्रेशन, या एक ऐसे फोटोज वो लोग यूज करते हैं कि हम उसको कनेक्ट कर लेते हैं अपने आप से, और हमारी इच्छा हो जाती है कि यार ये तो मेरे को खरीदना ही है. क्लियर, फोकस होता है ऐसी एड्स में.
ठीक, क्लियर फोकस मींस कि हम क्या बताना चाहते हैं और सामने वाला उससे कन्वे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो क्लियर फोकस। और दूसरे फीचर्स अगर देखा जाए तो रिटन ऑडियो विजुअल हो सकता है, इफेक्टिव डायलॉग डिलीवरी होनी चाहिए, ये भी बताया मैंने, क्रिएटिव प्रोसेस है, प्लस क्या होना चाहिए, कंसिडरेशंस। कंसिडरेशन मीन्स बेनिफिट्स, क्या क्या बेनिफिट्स हैं उस एड को यूज करने के लिए, तो वो सब पूरा इसमें आता है। तो ये था इसमें फीचर्स। अब फीचर्स के बाद नेक्स्ट अपन देख रहे हैं इसमें टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग कॉपी।